अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं मसाला चीज़ मैगी, जो कि ब्रेकफास्ट रेसिपी है। तो सबसे पहले हम एक पैन में 2 टेबलस्पून बटर ऐड कर देंगे और बटर को हमें मेल्ट होने देना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि बेल बटन को दबाने से मैं जो भी नेक्स्ट रेसिपी डालती हूँ वो सबसे पहले आपको मिल पाएगी। तो बटर हमारा मेल्ट हो चुका है, उसमें एक छोटे साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज और एक हरी मिर्ची कट करके ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून भरकर गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप चॉप करके गार्लिक ऐड कर सकते हो। और ये 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची ऐड करेंगे ताकि हमारी मैगी में रेड कलर आए, क्योंकि हरी मिर्ची मैंने इसमें ऐड किया है तो तीखापन इससे आ जाएगा मैगी में। अब बस हल्का सा 2 मिनट के लिए हम इसको सॉटे कर लेंगे ताकि प्याज जो है हमारी सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल ज़्यादा हमें प्याज को पकाना नहीं है। अब हम इसमें 1 बड़ा कप और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि मैं 2 मैगी बना रही हूँ। अगर आप एक छोटे चाय का कप लेंगे तो उस कप से आपको 4 कप इसमें पानी ऐड करना है। अब देखिए मैगी के अंदर जो पाउच होता है मैगी मसाले का, वो मैगी मसाला अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 2 मैगी है ली है मैंने, तो 2 ही हम पाउच इसमें मसाले के ऐड कर देंगे। इसको हम मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा और अब फुल फ्लेम पर इसमें हम बॉईल आने देंगे। देखिए पानी में बॉईल आ चुका है, इस वक्त हम अपनी मैगी ऐड कर देंगे। मैंने 1 मैगी को 2 टुकड़ों में तोड़कर इसमें ऐड कर दिया है। अगर आपको छोटे छोटे नूडल्स चाहिए मैगी के तो आप इसको पूरा और तोड़ सकते हैं। अब मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकने देंगे। देखिए मैगी हमारी सॉफ्ट हो रही है, मैं थोड़ा सा बीच में से भी इसको तोड़ लेती हूँ और मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको पका लेंगे। इसका पानी जो है हमें अच्छे से सुखा लेना है। थोड़ा सा 1/4 चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे, ज़्यादा नमक ऐड नहीं करना है क्योंकि मैगी मसाले में नमक होता है। अब नमक डालने के बाद हल्का सा मिक्स कर लेंगे। ये मैंने चीज़ी स्प्रेड एंड ड्रेसिंग लिया है, या फिर आप इसको चीज़ सॉस भी कह सकते हैं, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही टेस्टी बनती है मैगी। अगर आपके पास ये नहीं है चीज़ सॉस तो फिर आप इसमें चीज़ ग्रेट करके भी इस वक्त डाल सकते हैं। तो देखिए मैगी का हमारा पानी सूख चुका है और हमारी मैगी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको अब हम डिश में सर्व कर लेंगे। अगर आपको थोड़ी गीली गीली मैगी खाना पसंद है तो आप इसमें और थोड़ा पानी रख सकते हैं। तो देखिए मैगी को मैंने डिश में सर्व कर लिया है। अब हम इस पर ग्रेट करके चीज़ डाल देंगे। चीज़ आपको जितना पसंद है, ज़्यादा या कम, आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हो। इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स मैंने डाला है। तो हमारी मज़ेदार सी ब्रेकफास्ट रेसिपी इजी और झटपट से बनने वाली मसाला चीज़ मैगी बनकर रेडी हो चुकी है। अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।